मैं अब आदरणीय निदेशक प्रोफेसर डॉक्टर राणा सिंह सर एवं संस्थान के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी श्री कुमार सर से आग्रह पूर्वक विनती करती हूँ कि वे मंच पे आगे आकर दीप प्रज्वलित करें। प्रशिक्षणार्थी, मैं डॉक्टर राणा सिंह आप सभी का CM SC ST EBC महिला युवा उद्यमी योजना के इस द्वितीय चरण के प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप सब लोग, आप में से कई लोग ऐसे हैं जो शायद आपने अपना प्रशिक्षण यहां पर किया होगा, कुछ लोगों ने शायद बाहर से प्रशिक्षण किया होगा। कितने लोग ऐसे हैं जो कि यहां पर पहले प्रशिक्षण कर चुके हैं? बहुत बढ़िया। और आप नीचे कर लें। कितने लोग ऐसे हैं जो पहली बार यहाँ पर आए हैं? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि आप जो पहले चरण की आपने ट्रेनिंग प्राप्त की थी उसी के कंटिन्यूएशन में आपको उद्यमिता के बारे में और भी ज्ञान और कौशल प्रदान किया जाएगा। कुल मिलाकर अगर हम सार और संक्षेप में कहना चाहें तो आपको उद्यमिता के क्षेत्र में हमेशा सबसे पहले जो पहली सीख आपको लेनी है, प्रतिदिन एक छात्र की तरह प्रतिदिन ज्ञान और कौशल अर्जित करते रहना है। हर दिन जीवन में कुछ नया सीखने का एक मौका होता है, और खासकर जब हम व्यवसाय में होते हैं तो हमें यह देखना होता है कि व्यवसाय बाजार बदल कैसे रहा है, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कौन सी नई मार्केटिंग टेक्निक आ रही है, कौन सी नई पैकेजिंग टेक्निक आ रही है, कौन कौन से नए कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं, कौन कौन सी नई एडवर्टाइजिंग आ रही है, इत्यादि इत्यादि। तो बहुत सारी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। आप में से कुछ लोगों ने अपने प्रथम चरण का, आपको कुछ लोगों को राशि मिल गई होगी, अधिकतर लोगों को राशि मिल गई है, तो धीरे धीरे आप अपना राशि खर्च करना शुरू करेंगे। जो सबसे पहले उसमें सलाह और हिदायत है कि आप अपने पैसे को बहुत ही सावधानी पूर्वक खर्च करेंगे। कभी भी कोशिश रहे कि हम पैसे को जब खर्च कर रहे हो तो कम से कम कीमत में बेहतर से बेहतर गुणवत्ता का सामान हम कैसे खरीद सकें, अपनी प्लांट और मशीनरी कैसे हम लगा सकें, कितनी जल्दी हम अपना उत्पादन शुरू कर सकें, और उत्पादन करने के बाद हम अपने माल को कैसे बाजार में बेच सकें। तो इन बहुत सारी बातों का आपको ध्यान रखना होता है। कई बार व्यवसाय में उतार चढ़ाव भी आते हैं। कई बार ऐसा होगा कि हम कतिपय कारणों से प्रोडक्शन शुरू नहीं कर पाते हैं। मशीन तो आ गई लेकिन हमारा प्रोडक्शन चालू नहीं हो पा रहा है। प्रोडक्शन चालू हो गया, पैकिंग का मटेरियल नहीं आ पाया, पैकिंग का मटेरियल भी आ गया तो हो सकता है सेल जल्दी से शुरू नहीं हो पाया। तो व्यवसाय में कई बार छोटे छोटे उतार चढ़ाव आएंगे। ऐसे परिप्रेक्ष्य में आपको ध्यान रखना है कि एक सफल उद्यमी वह है जो कि विभिन्न विषमताओं के बीच भी अपने मन वचन और कर्म को एकाग्रचित करके अपने व्यवसाय के प्रति खुद का ध्यान केंद्रित रखेगा, और छोटे बहुत जो उतार चढ़ाव आते हैं जीवन में, खासकर व्यवसायिक जीवन में, उससे हमें हतप्रभ नहीं होना है। हमेशा एक प्रतिदिन नई कोशिश करनी है और नया ज्ञान और कौशल अर्जित करना है। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि धीरे धीरे आपको अपनी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी बदलनी पड़ेगी, स्ट्रांग करनी पड़ेगी। बाजार में हमें अपने माल को कैसे कैसे बेचना है समझना होगा, और लोग अपना माल कैसे बेच रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट काम है अपने प्रोडक्ट को बेचना और अपने कस्टमर्स को खुश रखना। अगर हम अपने कस्टमर्स को खुश रखते हैं और अपने प्रोडक्ट्स को बेच पाते हैं तो हम लंबी दूरी में मार्केट में खुद को सरवाइव कर सकते हैं। और जब हम व्यवसाय कर रहे होते हैं तो हमें बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। छोटी छोटी चुनौतियां मैं बता सकता हूं ताकि आप अपने आप को, खुद को ध्यान रखेंगे उस पर। एक और जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपना कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम कर रहे हैं तो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम में 1,00,000 से ज्यादा का खर्च नहीं करना है। अगर आप 1,00,000 से ज्यादा का खर्च करेंगे तो उस पर आपको मुश्किलें आपकी
बढ़ सकती है। जैसे आपको अगर दुकान में कुछ कंस्ट्रक्शन करना है या दुकान बनाना है या रिनोवेशन करना है, कुछ भी करना है, तो उसमें खर्च जो है 1 लाख से ज्यादा नहीं करनी है, नंबर एक। नंबर दो, जितना भी पैसा आप खर्च करेंगे उसके मतलब आप जितना भी पैसा खर्च करेंगे उसके उसका हिसाब किताब प्रॉपर मेंटेन करके रखेंगे, कारण कि आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करा के आपको अपना यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, व्ययिता प्रमाण पत्र हम कहते हैं, यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट, कि आपने ये पैसा खर्च कर दिया है और उसी कार्य के लिए खर्च किया है जिसके लिए आपको ये पैसा दिया गया है। अगर आपको ये पैसा दिया गया है व्यवसाय शुरू करने के लिए, तो आपने सिर्फ व्यवसाय करने के लिए ही आप इस पैसे को आप खर्च किए हैं और किसी अन्य कार्य के लिए आपने ये पैसा खर्च नहीं किया है, नंबर एक। नंबर दो, जब आप मशीन खरीद रहे होंगे तो यह ध्यान रहे कि आप कोई पुरानी मशीन नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे तो नई मशीन खरीदेंगे, और उसके साथ यह ध्यान रहे कि जीएसटी पेड की रसीद जरूर होनी चाहिए। अगर वो जीएसटी पेड रसीद नहीं दे रहा है आपको, तो समझिए कि कुछ मामला गड़बड़ है, और जब अपनी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट देंगे तो उस समय उन सारे तथ्यों को जांचा जाएगा, परखा जाएगा। तो जब आप अपनी मशीन खरीद रहे हैं तो इस बात का ध्यान रहे कि आपको जो मशीन मिल रही है उसके साथ उसकी जीएसटी पेड रसीद जरूर मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए। और अगर वो रसीद कहता है बाद में दे देंगे, तब आप क्या करेंगे? नहीं नहीं लेंगे, कहेंगे पैसा भी हम आपको बाद में देंगे, आप ऐसा गलती मत कीजिए। हाँ, अगर कोई दूसरा जगह मिल रहा है तो आप उनसे ले लेंगे, अन्यथा कहेंगे कि ठीक है जब आप रसीद देंगे तभी हम आपको पैसे, ऐसा नहीं कि पैसा पहले दे दिया और रसीद, हाँ फिर बाद में की कहानी थोड़ी सी बिल्कुल जो है दिक्कत हो जाती है। तो आप प्रयास ये करें कि रसीद देख लें, कौन सी रसीद दे रहा है जरा हमें दिखाइए, उसमें जीएसटी प्रॉपर लिखा हुआ है कि नहीं, उसके बाद ही पेमेंट करें। और पेमेंट करने का दो तरीका बेहतरीन है आपके पास, या तो आप चेक से पेमेंट करें या पेटीएम से यूपीआई से पेमेंट करें। कैश को बिल्कुल एक एक्सरसाइज सीख लें ये वाला, जब भी कोई कैश की बात करे तो ये एक्सरसाइज याद रहेगा, कर लेंगे ये एक्सरसाइज, करके दिखाइए, वेरी गुड। तो बिल्कुल मना कर देना है आपको, जो कैश की बात करे कहे नहीं मुझे, या तो यूपीआई से हम पेमेंट करेंगे या चेक से, ताकि कई बार उसका फायदा यह होता है कि अगर आप भूल भी जाते हैं कि हमने किसको पेमेंट किया था, तो आप बैंक के खाते से देख सकते हैं कि ठीक है हमने 35,000 रुपए या 1,00,000 रुपए या 75,000 रुपए एक्स वाई जेड कॉर्पोरेशन को पेमेंट किया था। तो आपकी सारी रसीदें गुम हो जाएं, चोरी हो जाएं, बर्बाद हो जाएं, तब भी आपके पास बैंक स्टेटमेंट एक ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट होता है जिससे कि आप सर्टिफाई कर सकते हैं कि नहीं आपने ये मशीन खरीदी थी और अमुक स्थान से खरीदी थी, ताकि फिर वो अपने अकाउंट में उसके अकाउंट में भी दिखेगा कि वो पैसा आपके पास से आया है। अब आगे चलते हैं। तो जैसे आपकी प्लांट मशीनरी, कितने लोग ऐसे जो अपने प्लांट खरीद लिया है, अपना मतलब मशीनरी खरीद लिया है, बिजली का कनेक्शन ले लिया आपने जी, और घर वाले बिजली से काम कर रहे हैं, भी तत्काल कॉमर्शियल काम नहीं करें, अन्यथा मुश्किलें बढ़ सकती। और प्रोडक्शन जैसे आप शुरू करते हैं, पैकेजिंग के लिए क्या किया आपने, पैकेजिंग की मशीन खरीदी है या बाहर से करा रहे हैं, मशीन ले ली है, बहुत बढ़िया। तो कुल मिलाकर जब हम अपना काम शुरू करते हैं तो हमारे पास छोटी छोटी बाधाएं आती रहेंगी, कई बार कुछ ऐसी मुश्किलें आती हैं जिसमें कि हमें समझ में नहीं आता है। आपको एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अपना SMS अपने मोबाइल पे SMS इंडस्ट्री विभाग से आता है नहीं आता है, उसको प्रतिदिन चेक करना है आपको, हमेशा कुछ ना कुछ शायद कुछ उनकी नई रिक्वायरमेंट्स कुछ इंस्ट्रक्शंस आती रहेंगी। तो अपना ईमेल और SMS प्रतिदिन चेक करते रहें, और जो मोबाइल नंबर आपने फॉर्म में दिया है उस मोबाइल नंबर को आप बदले नहीं। पहला काम यह करें कि अगर वो जिस मोबाइल नंबर को आपने इंडस्ट्री विभाग में जमा किया है वो अगर प्रीपेड मोबाइल है तो उसको पोस्टपेड करा लीजिए। क्या करा लीजिए? पोस्टपेड। वो नंबर आपसे हाथ से नहीं निकलना चाहिए, कारण कि आपका वो मोबाइल नंबर इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में जमा है। वो कई बार ऐसा होता है कि प्रीपेड में अगर आप 1 महीना 2 महीना नहीं रिचार्ज करते तो नंबर आपका खत्म हो जाता है। तो आपसे एक बहुत ही अच्छी सलाह है आपके लिए, अगर वो मोबाइल नंबर आपका प्रीपेड नंबर है तो उसको आप तत्काल पोस्टपेड में करा लीजिएगा, तो आप ज्यादा मतलब कुशलता से काम कर सकेंगे, नंबर एक। नंबर दो, जो जो SMS आते हैं इंडस्ट्री विभाग से उसको हमेशा कोशिश करें कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आप उसको
उसका जवाब दे दें। जैसे कई बार कहते हैं जी आप एक काम कीजिए, आपने अपना करंट अकाउंट खोलने के लिए कहा होगा जी, करंट अकाउंट खोल के उसका डिटेल्स अपलोड कीजिए पोर्टल पे, तो उनके जो निर्देश आते हैं उसको यथाशीघ्र उसका अनुपालन परिपालन निश्चित तौर पर सुनिश्चित कीजिए और तुरंत अपडेट करा दीजिए। अगर आप अपने से नहीं कर सकते तो किसी और को कह के करा लीजिए। हमें सबसे पहले एक छात्र के तौर पर सीखना पड़ेगा कि बाजार में और कौन कौन से प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं। तो आपको पहले दिन आप आसपास के बाजारों में एक कस्टमर बनकर जा सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है, वो कैसे बिक रहा है, वो किस भाव में खरीद रहे हैं, किस भाव में बेच रहे हैं, किस पैकेट की क्या प्राइस है। कई बार ऐसा होता है कि जो एक किलो का पैकेट है उसकी प्राइस कम है, आधे किलो की जो पैकेट है उससे थोड़ा सा ज्यादा है, जो 200 ग्राम की पैकेट है उसकी थोड़ी सी प्राइस ज्यादा है, जो 100 ग्राम की। तो आपको यह देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि किस साइज की क्या प्राइस है। तो रिटेल प्राइस क्या है, होलसेल प्राइस क्या है, डीलर प्राइस क्या है, तो ये सारी बारीकियां आपको समझना पड़ेगा। किताब में लिखा हुआ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जितने लोग खाद्य पदार्थ से जुड़े व्यवसाय में हैं, जो बेकरी में हैं, मसाला में हैं, आटा चक्की में हैं, बेसन इत्यादि, तो जो भी ऐसे बिजनेस हैं जिसमें कि हम खाने पीने का व्यवसाय कर रहे हैं, तो उसमें एक भारत सरकार की एक मानक संस्था है, हम स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं उसको, FSSAI, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो हमें वहां से भी एक लाइसेंस प्राप्त करना होता है। तो आपको आसपास के जो साइबर कैफे हैं वो गाइड कर देंगे आपको कि वहां पर कैसे फॉर्म भरना है, कैसे अप्लाई करके अपना लाइसेंस लेना है। तो आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खाने पीने के व्यवसाय से जुड़े हैं? बहुत बढ़िया, कम से कम कर दिया है, तो अपने इनके लिए एक बार ताली बजा दें आप लोग। कई चीजें हम आपस में भी एक दूसरे से सीख सकते। बता देना चाहूंगा मैं कि जो भी खाद्य पदार्थ के व्यवसाय में है उनके लिए FSSAI का लाइसेंस लेना नितांत आवश्यक है। दूसरा, ये लगभग सभी व्यवसायियों के लिए है। आपको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कौन कौन से नियम कानून हैं। आप अगर आप पैकेजिंग करते हैं तो पैकेजिंग करते हैं तो 200 ग्राम का 200 ग्राम पैक कर पा रहे हैं कि नहीं, उसके लिए आपको माप तौल विभाग से आपको अपनी माप तौल की जो आपका गैजेट है उसका सर्टिफिकेशन कराना होता है। तो अगर आप डिजिटल मीटर ले रहे हैं तौलने वाला या बटखरा ले रहे हैं, तो जब भी आप व्यवसाय शुरू करते हैं सबसे पहले डीएम ऑफिस के आसपास में एक माप तौल का विभाग होता है, डीएम ऑफिस में पता करेंगे तो वहां मिल जाएगा कि ये माप तौल का विभाग कहां पर है। तो माप तौल विभाग में अपनी मशीन को ले जाकर वहां से उनकी जो है अप्रूवल लेनी पड़ती है। मेरी बात समझ पा रहे हैं जी? तो जो भी प्रोडक्ट्स आप तौल कर बेचेंगे तो तौलने के पहले आप अपने तौलने की मशीन खरीदेंगे, उसकी रसीद संभाल कर रखेंगे, उस रसीद को लेकर जाएंगे माप तौल विभाग के पास और वहां से उसकी लाइसेंस लेकर आएंगे। तो व्यवसाय करने के प्रक्रिया में बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं। बिजली विभाग से कॉमर्शियल मीटर लेंगे आप, अगर थ्री फेज का कनेक्शन लेना है तो थ्री फेज का कनेक्शन लेंगे, माप तौल विभाग से उसकी अप्रूवल ले लेंगे, FSSAI के विभाग से अपने जो फूड से रिलेटेड बिजनेसेस हैं उनकी अप्रूवल ले लेंगे। तो आपको यह जानना जरूरी है कि वो धीरे धीरे जब आपका व्यवसाय बढ़ेगा तो आपको अपना GST नंबर भी लेना पड़ेगा, आपको अपना इनकम टैक्स का एनुअल रिटर्न भी फाइल करना पड़ेगा, अपना पैन कार्ड भी अप्लाई करना पड़ेगा। तो आपको धीरे धीरे यह समझना पड़ेगा कि व्यवसाय में कौन कौन सी जरूरी जो है कागजात आपको नितांत आवश्यक है। तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा, आज बहुत कुछ तो नहीं, इशारों में कुछ कुछ बता दिया और आपके जो प्रशिक्षकगण हैं वो विस्तार से आपको सारी बात बताएंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि आप खुद को प्रतिदिन आधा घंटा एक घंटा अध्ययन करने पर जरूर समय दें, अखबार पढ़ते रहें ताकि बाजार में जो जो बदलाव आ रहे हैं उसके बारे में आप अवगत रहें और जानकारियों को अपने पास अद्यतन जानकारी प्राप्त करते रहें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपके व्यवसाय में उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय बिहार।